विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है. वे दी कांग्रेस इज कॉन्स्टेंटली एंड पर्सनली अटैकिंग हिंदू कम्युनिटीज एंड दी हिंदू सेंटीमेंट, हिंदू संत, भगवा टेम्पल्स एंड अवर परंपरा और दिस जो मानव हिंदू है उन पर जो लगातार जिस तरह से कांग्रेस हमलावर है उससे से अब ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस की जो अंतिम यात्रा देश से नागरिक निकालने जल्दी निकालने वाले हैं. और ये जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मैं भारत को जोड़ने चला हूँ, अपनी माताश्री जो मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर रहती हैं और वो अकेली रहती हैं, ये अकेली रहते हैं, वो अपनी माता जी को नहीं जोड़ पाए, वो भारत को जोड़ने चले हैं. और आप देखिए कि जिस पार्टी ने हमेशा पूज्य संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, वो पार्टी आज अपने आपको तपस्वी बता रही है. कभी तपस्या की है क्या? तपस्या की एबीसीडी जानी है क्या? लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने पंगे बहुत लिए, अब ये पंगा बहुत भारी पड़ेगा इनको, ऐसा लग रहा है. पूजनी योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा तो है, लेकिन अब ये इनको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार अनर्गल टिप्पणियां करने का क्या अर्थ होता है और उसके क्या परिणाम होते हैं. इनके दुष्परिणाम जब सामने आएंगे तब इन पूरे कांग्रेस के गुणवे को पता लग जाएगा आखिरकार किस तरह से और किसके साथ कैसे बोला जाता है, क्या बर्ताव किया जाता है. कांग्रेस और कांग्रेस की कोख में से जन्मे जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, जिस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर आघात कर रहे हैं लगातार, जिस तरह से हमारे जो कुछ संतों का जो अपमान कर रहे हैं, ये जो है इनके ताबूत की आखिरी चीज साबित होगी. आप देखिए कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसी से पता लगता है कि आखिरकार ये पार्टी है क्या, इसका करेक्टर क्या है. ये जो राहुल गांधी और कुछ नहीं करे, इस पार्टी का करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं पूरा. और ये बेसिकली कहते तो है कि हम पुरानी पार्टी है, वास्तविकता ये देखी जाए तो ये तो जो है ना ये नूतन अवतार है इस पार्टी का, जो कि हिंदू द्रोही मानसिकता के साथ चल रहा है. दिखावे को तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करेंगे और कहेंगे हम तो ये है और हम तो वो हैं, लेकिन अपने फिरोज के मजार पर कभी नहीं गए आज तक. आखिरकार जो माता क्रिश्चियन है उसका पुत्र हिंदू कब हो गया ये भी उन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं बताया. लेकिन हाँ, कुछ नेता हैं जो अपने आप सेल्फ सर्टिफिकेशन में लगे हुए हैं, कहते हैं कि हम मैं भी तो हिंदू हूँ, मैं भी ये मानता हूँ, मेरा गोत्र ये है. तो ये सब चीजें सेल्फ डिक्लेरेशन से काम नहीं चलता. देश की जनता भ्रमित होने वाले नहीं है, देश की जनता को पता है आखिरकार कौन कितने पानी में है और किसका क्या करेक्टर है. अब उनके भ्रम में नहीं है, भ्रमजाल में नहीं फंसने वाली. अब देश के प्रत्येक नागरिक के पास में अपना एक पूरा कम्युनिकेशन चैनल हाथ में रहता है. अब जिस तरह से ये लोग प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स चलाते थे और देश को बंटवारे और विनोद बंसल एक पैटर्न बन गया है ये. जी जी बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. आचार्य जी, एक पैटर्न सा बन गया है जहाँ पर कांग्रेस खासकर कि राहुल गांधी इस तरह के नेम कॉलिंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अब्यूज़ करते हैं, अभी योगी आदित्यनाथ को अब्यूज़ किया है. यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का पोजिशन बहुत क्लियर है कि हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें डिवेलपमेंट पर फोकस करना है. पर आपको लगता है कांग्रेस अपना ही नुकसान कर रही है इस तरह की स्टेटमेंट्स पब्लिक में बोलकर? जी बिल्कुल, इस देश के समक्ष इस बात को हर कोई व्यक्ति समझ रहा है कि पहले आज से 10 साल पहले जब आंदोलन होते थे, वो आंदोलन होते थे किसी स्कैम के खिलाफ, किसी और करप्शन के खिलाफ, लगातार जो स्कैम्स की सीरीज चल रही थी. आज कुछ बचा नहीं है इनके पास और अब लगातार केवल